हैं, एमपी हैं, चेयरमैन देव नारायण बोर्ड जी के आप स्टेज पे तशरीफ लाए और वक्त का ख्याल रखते हुए तो अपने ख्याल आपका जाना। आज इस पीर बाबा के इस पावन परिसर में आप लोगों ने हमें बुलाया, इसका मैं मेरी समस्त जो मेरे साथ मेरे साथियां हैं महाराज जी की तरफ से पीर जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मंचासीन हमारे मालासेरी डूंगरी के मैन हेमराज जी कोसवाल, हमारे पीर मकबूल साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण, पंजाब हरियाणा, पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ से भी आप पूरे देश से यहाँ पे माथा टेकने आए हैं, सभी में जायरीनों को भक्तजनों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस पाक स्थान पर पधारे। साथियों, अभी शौकत भाई कह रहे थे, हम जो भोजन कर रहे थे, कि हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे गुलाब पे यहाँ पधारे। मैं शौकत भाई और आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये इस पीर बाबा की ताकत का ही असर है कि हम एक छोटे से गुलाब पे चले आ गए। ऐसी पाक स्थान पर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। जिस दिन इसने चाहा, इस शक्ति ने चाहा, हम बिना बुलाए यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे माथा टेका। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में जब मेरी आधी उम्र बीत गई तो मैं यहाँ पे आया। कश्मीर का मैंने नाम सुना, अखबारों में सुनते थे, टीवी में देखते थे, मगर आज पहली बार जब मैं कश्मीर पधारा आया तो मैंने देखा कि कश्मीर की ये सरजमी कैसी है और कश्मीरी मेरे भाई कैसे हैं। आप लोगों ने जो श्रीनगर से लेकर आज ये कुपवाड़ा तक और इस पावन धरा तक जो आप लोगों ने सम्मान दिया कश्मीरी भाइयों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी वर्गों के जितने भी कश्मीरी मित्र और भाई मुझे मिले और जगह जगह से मुझे फोन करके निवेदन कर रहे हैं कि आप घर पधारिएगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कश्मीर के लोग इतना हृदय की गहराइयों से हम लोगों का स्वागत करेंगे। मुझे दुख होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भारत के दिल मध्य प्रदेश से आपके बीच में आया हूं और आप इस भारत का मुकुट है, कश्मीर भारत का मुकुट है और आप सब ये मुकुट के नायाब हीरे और मोती आप इस मुकुट के अंदर जड़े हुए हैं। आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस धरती को जो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने स्वर्ग बनाया है, इस स्वर्ग को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। सरकार, सेना, राजनीतिक दल, मैं एक राजनीतिक पार्टी में हूँ मगर मैं आज की राजनीति बात नहीं करूंगा। मैं अपने भाइयों के बीच में आया हूँ, मेरे कश्मीरियों के बीच में आया हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि आप कश्मीर की धरा पर जैसे ये पीर ओलिया इमाम ये बैठे हैं आपके बीच में, आप सबकी एक ताकत से आपको आगे होके और जो कश्मीर का कुछ लोगों ने मान सम्मान और नाम खराब किया है तो ये कश्मीर की आबादी आगे बढ़ के उस कलंक को धोएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था हमारे राजस्थान में झुंझुनू, अभी दो दिन पहले अखबार में आया, झुंझुनू जिले के अंदर एक मीणा समाज का गांव था, मीणा वहां पे एसटी के अंदर आते हैं। 20-30 साल पहले पूरा गांव चोरी में लिप्त था, सारे अनैतिक काम करते थे और पुलिस ने उस पूरे गांव को घेर लिया तो एक आदमी ने सोचा उसमें से, वो पुलिस में था, कि अब हम सबको डूब मरना चाहिए, हमारे गांव में सब इतने 6-6 फुट के हम जवान हैं और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले उसका पूरे गांव का लेख आया, शायद 40-50 वहाँ का IAS और IPS। आप लोगों को यहाँ पे शिक्षा का मौका सरकार देगी, आप कदम बढ़ाइए, आप इस कश्मीर से निकलिए, दिल्ली आपका इंतजार करती है, आप दिल्ली की सरकारों से आइए, अपना हक मांगिए, पूरे भारत के सभी समाजों के लोगों से आप आइए, गले मिलिए, उनसे हाथ मिलाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितना प्यार, प्रेम और सम्मान आपने दिया उससे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, उससे ज्यादा राजस्थान में मिलेगा और मैं पुनः आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और सभी जितने भी ये मेरे इस मठ के और अपने स्थान के पुजारी और आप भक्तगण हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा आप एक बार जरूर भगवान देवनाथ जी की जन्मस्थली पे जाएं, वहाँ पे चमत्कार होते हैं जैसे इस मिट्टी में चमत्कार होते हैं। और पीर साहब से मैंने अभी कुछ कहा है, अगर
इस स्थान ने मुझे दिया, तो मैं जल्दी आपके बीच में दोबारा आऊंगा, आता रहूंगा। आप सबसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे शब्दों से किसी के हृदय को कोई ठेस पहुंची हो, चोट पहुंची हो, तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ करना। और मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे 3-4 घंटे इतना अच्छा समय दिया। और मैं पुनः आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप दिल्ली पधारें, आप और मध्य प्रदेश पधारें, राजस्थान पधारें, हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देंगे, स्वागत करेंगे। आप सबको कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम।